आओ दिलदानी माड़ा मेरा सिद्धू मूसे वाला। उठ के आ गए थे हम सवेरे सवेरे 8:30 बजे ना उठ गए थे। रात को जैसे कि आपने देखा था बर्थडे सेलिब्रेट करा था, बर्थडे सेलिब्रेट करके केक वेक काटा, थोड़े स्काई शॉट्स वगैरह लिए और भी बहुत सारी चीज़ें करी। अब बंदा है थोड़ी वाइब में होता है ना, तो ज़्यादा चीज़ मैं दिखा नहीं पाया, बट बहुत मज़े लिए रात को। रात को 2:30-3 बजे सोए हैं, तो सवेरे उठ के फटाफट पूल में आ गए हम सारे, और अभी थोड़ा ऑर्डर करा हमने, फ्रेंच फ्राइज हो गए और ब्रेड पकौड़े वगैरह आ रहे हैं, तो अब कॉफी आ रही है, ब्रेड पकौड़े आ रहे हैं और चिली पटेटो आ रहे हैं। और इधर देख के बोलो कहाँ देख के बोल रहे हो? अच्छा, चिली पटेटो आ रहे हैं, बस खाने का इंतजार कर रहे हैं बस सब। पापा झूठ बूटी बोल रहे थे, वो देखो पकौड़े आ गए, सब देखने लगे कि पकौड़े आ गए तो चलो अब आएंगे। तो अब हम यहाँ पे नहाने लग रहे हैं दोबारा। मम्मी कह रही थी मैं नहीं नहाऊंगी, पापा अपने आप अलग वाइब में, वो यहाँ पे अलग है, पर मजा तो आ ही गया, मजा तो आ गया, पर डर लगता है। इसमें क्या डर है? कहाँ है पकोड़े वाले पापा? पकोड़े वो आ रहा है, वो मार्केट वाले, मार्केट में पकोड़े हैं कह रहे, मार्केट में पकोड़े हैं, मार्केट में पकोड़े कहाँ से आ गए? तो भाई बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अब यहाँ से फिर हम खाटू बाबा जी के यहाँ जाएंगे, वहाँ पे भी दर्शन कर लेंगे और फिर अपने घर आपको भी दर्शन करवाएंगे। तो भगवान की दया से सारी चीज़ होगी, रात को भी बढ़िया एंजॉय कर लिया, अभी भी बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। अब खा के नहा के फिर निकलेंगे। बाकी मैंने आपको एक्सप्लोर तो करवा ही दिया था, ये एंट्रेंस है, यहाँ से गाड़ी यहाँ आती है, वहाँ उस साइड पे ना झूले वगैरह लगे हुए हैं सारे, और ये पूरा मतलब यहाँ पे शादी ब्याह भी होते हैं, मतलब शादी और डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, और ये 24 कमरे हैं यहाँ पे, पूरे 24 कमरे हैं, और ये हमारे नॉन का ही है किसी का, हर बार हम इसी में इसलिए आते हैं, तो यहाँ सारे मजे ले रहे हैं। ये बैग में शादी ब्याह होते हैं? हाँ, मैंने बता दिया, डेस्टिनेशन वेडिंग वगैरह होती है। इसके पीछे भी एक रिसोर्ट है, तो इसका नाम है रानी बाग, बहुत बढ़िया है। और वो लड़के को ऑर्डर दिया हुआ। पापा मज़ा आ रहा है वैसे आपको? बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया बढ़िया फील आती है ना, रिलैक्स हो गया। अभी जितनी थकान थी ना रात को, वो सारी थकान उतर गई, लगता ही नहीं हम कई बार और अजीब जगह जा रहे हैं। हाँ, सेफ और मजे की बात बताऊँ क्या? देखो जब आप कभी फैमिली के साथ आते हो ना, तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि पैसे से ज्यादा बंदा ये सोचता है कि जगह सेफ हो, सेफ हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो यहाँ पे सेफ भी है। हाँ, बहुत प्राइवेट है, बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छा बना हुआ है, मजेदार व्यू, जितना आपको देखने में खूबसूरत लग रहा है ना, उससे ज्यादा सामने है, फोन में कितना रस्ता सामने है। अभी आगे वो फुटेज खाने के मारे पकोड़े के चक्कर में बार बार घूम के इधर ही आ जाते हैं, पकोड़े का इंतजार हो रहा है बस। तुम एक दूसरे से चिपक के कि घूम रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। हमें प्यार है प्यार है तो क्या, एक दूसरे चिपक के घूमोगे? हम चिपक के घूमते हैं, और अगर हम बचे तो तीनों बच जाएंगे, डूबे तो डूबेंगे ना, इसमें भी डूब जाओगे। श्री देवी हो क्या? हाँ हाँ, श्री देवी डूब गई तो उसके अंदर, कप के अंदर, ये देखो इतनी जगह, इसमें डूबने की बात कर रहे। देखो मैं कहाँ खड़ा हूँ, यहाँ आ रहा है, मेरी मम्मी यहाँ आ रहा होगा, इससे ज्यादा क्या ही आ रहा होगा। मम्मी खड़ी हो, खोना जरा, खाना कसम एक बारी, ये डूब रही है, देख लो, हद है यार। तो अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ भाभी को स्विमिंग सिखाने। चलो जी, चलो 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 चलो, हल्का 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 भाई, ये बड़ी प्रैक्टिस के बाद मैंने इनको लाश बनना सिखाया है जी, लाश कैसे बना जाता है, और तो पहले के मुकाबले सही नहीं है, अब पहले के मुकाबले हल्का है। अब ये बंदी, अरे नहीं कुछ कर रहा, अब संजीवनी बूटी नहीं लेके जाते कंधे में, संजीवनी बूटी जा रही है तैरती हुई भाई, उधर भी दिखा दे सामान। अब पता नहीं संजीव की बूटी पकड़े हुए, देख के इधर हो रही है, अपने आप शिवा देख, देख तैरना आ गया, पकोड़े देख के पकोड़े की तरफ अपने आप ही भाई, बंदी को तैरना आ गया, ये पकोड़ा देख के अपने भी पहुंच गई है पकोड़े के पास, तैरना भूल गई है ऑटोमेटिकली। अब एक पकोड़े पापा को देता हूँ, ईमानदारी से उतर लेके आ रहा हूँ,
ये इधर ही खाओगे? नहीं यहाँ। चलो भाई टेस्टिंग करके बता दो। इधर कर लो कोने पे, इस जगह ठीक है। मम्मी इधर देखो, कैसे हैं? बढ़िया है। चलो भाई पहले कुछ खा ले फिर बनाते हैं हम लोग। वाह बढ़िया। अभी एक चिली पटाटो और कॉफी, वो भी आ रही है, ये खा के दिखाते हैं एक मिनट। बढ़िया बढ़िया भाई, वो आ रही है। खाते हैं अब। चल पटाटो के लिए बोलते भाई इसको, वो भी दे दे भाई। पूल साइड में खाने का मजा भी अलग है वैसे। ये देखो भाई, लाइन से जैसे भंडारे नहीं होते, अब वही वाली बात है, मिडिल क्लास फैमिली वाले बंदे ना भंडारे ही बना देते हैं। ये देखो एक साइड पे सारे बैठ के आराम से मजे ले रहे, कोई भी नहीं है। इस भंडारे के अच्छे खासे पैसे दे रहे हैं। हाँ ये बात तो है, पॉइंट, बट कोई बात नहीं, मजा भी लेना बहुत जरूरी है भाई। क्या कह रहे हो, क्या करो पापा, क्या हाथ जा रहा है? भाई मेरे बारे में भी सोचो ना थोड़ा सा। हाँ वो मेरे को डर इसका, इसका हाथ चलता ना थोड़ा। ये क्या कॉफी देखेगा ना? कॉफी बोलती हूँ। पोटैटो भी आ गए, देख लो। बढ़िया, खाना कैसा लगा? है तो कैसा लगा शो खाना? हैं खाना कैसा लगा? बढ़िया तो आप यहाँ आ सकते हो। ये पड़ता है कुकस में, जयपुर से 20 किलोमीटर पहले, और 20 किलोमीटर मतलब आप आधे घंटे में जयपुर पहुंच जाओगे। हम तो ऐसे ही करते हैं, यहाँ स्टे करते हैं, रात को जयपुर चले जाते हैं, रात को 11-12 बजे वापस आ जाते हैं, दोबारा स्टे कर लेते हैं। क्या खा रहे पापा? खा रहे, खा लेते हैं। चलो जी खाओ, खाओ। फूड बना लिए हैं, अब थोड़ा सा और ना आगे फिर हम यहाँ से निकलते हैं। खाटू पापा जी के पेट भी फूल हो गया बहुत ज़्यादा, अब थोड़ी सी इनको मस्ती करने दो। कर लो आप अपनी मस्तियाँ कर लो भाई, और फिर यहाँ से निकलेंगे तैयार। अब हम सब हो गए यहाँ पे रेडी, पहले अपने भाई की लुक चेक कर लो। बर्थडे वाले दिन तुम्हारे भाई ने पहनी येलो कलर की शर्ट, हाफ शर्ट बोलेंगे ना, टी शर्ट नहीं हाफ शर्ट, हाफ शर्ट पहनी है, और अपनी डेनिम वाली मतलब टी आर वाली अपनी जीन्स, और तुम्हारा भाई ऑलवेज। यहाँ से सारे रेडी हो गए, भाभी रेडी हो गई है, मम्मी रेडी हो रही है, भाई रेडी हो गया, पापा हो गए हैं। सामान देख लेना भाई अपना, कुछ भूल मत जाना यहाँ से। अब यहाँ से थोड़ा हम अपना हिसाब किताब कर लें इनके साथ, और फिर हम निकलते हैं आगे खाटू बाबा जी के आगे निकलते हैं। भाई अब थोड़ी गर्मी सी लग रही है, देखो अब थोड़ी गर्मी है मुझे। भाई हिसाब कर दिया, एक बार कर लेते हैं। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से भाई, फोटो वोटो करा लिए, अब यहाँ से सीधा हम खाटू बाबा जी के निकल रहे हैं सारे, और अब रास्ते में चलते हैं। अभी इनको चाबी चुबी दे देते हैं गाड़ी की, और एक बारी मिल भी लेते हैं उस लेडी से जिसका ये फार्म है। थैंक यू। ये गाड़ी की चाबी और उसी कमरे की चाबी, और ये दीदी हैं जिनका ये पूरा रिसोर्ट है, जिनके टेक केयर में रहता है। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। एक बार ये अपना नाम और नंबर बता दो। मेरा नाम राखी शर्मा है, मैं रानीबाग रिसोर्ट कुकर से बोल रही हूँ, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 6377025353। ऑल ऑफ यू वेलकम टू रानीबाग रिसोर्ट कुकर। तो यार कुकर्स में जरूर आना, बहुत अच्छी लेनी है और बहुत कॉपरेट है। ये भैया भी बहुत अच्छे हैं। बहुत मजा आया, और आपको मैंने पूरा टूर कराया था, तो आपको यही मिलेंगी, यही यहाँ की करता धरता है भाई। तो जो भी आए इनसे जरूर मिले। बाकी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। मुझे तो बहन मिल गई मेरी भाई, और ये गार्ड साहब है, ठीक है भाई, तो चल रहे हैं। और गार्ड साहब को एक बारी ये लो, गार्ड साहब ये आपका इनाम, ठीक है जी, धन्यवाद, ठीक है जी। भाई जी आपसे जरूर मिलेंगे, और दिल्ली का भी आना हो ना, पक्का पक्का पक्का, डन डन आएंगे, नेक्स्ट टाइम आएंगे, ठीक है जी, बाय बाय। चलो जी अभी यहाँ से चलते हैं, अच्छी लेडी थी, हमने भी इनके साथ कोऑपरेट करा रात को खूब, और इन्होंने भी हमारे साथ कोऑपरेट करा। तो चलो हम रुक गए थोड़ा खाटू बाबा जी के जाते जाते, गन्ने का जूस पीते हुए। अब जाओ तो खाते पीते जाओ ना, मज़ा तभी आता है। गर्मी है भाई, अब थोड़ी सी गर्मी लग रही है। अंकल से बनवाया जूस, और गाड़ी में सारे लोग बैठे हैं, तो यार बात करते करते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अंकल जी मेरे को दे दो, बाकी उनको दे देना, सही लग रहा है देखने में तो। वाह बढ़िया भाई, एक नंबर जूस मिलेगा पापा, टेस्ट लगे पी के देखो जो आपके मतलब क्या है।
बढ़िया। अभी और लूंगा जी, है तो कैसा लगा, है ना बढ़िया। भाई बहुत अलग टेस्ट है। और पीना पापा, पीना और मम्मी, हाँ भाई पीना है, मेरे को दे दे, मैं तो पीऊंगा भाई, बहुत अलग टेस्ट है। नहीं बर्फ तो नहीं पड़ती होगी पहाड़ों में, तो कहते हैं जन जन मैं जाऊंगी किधर, तेरा मेरा सफर रे हाय जो गुजर हो जाता रे, तो लगी जावे लक्ष्मी जीवारों नजर। शाम जी पहुंचने वाले हैं यहाँ, हम थोड़ा रुक गए थे, सामने खड़ी कर दी हमने अपनी गाड़ी, मम्मी पापा भाई हम सारे यहाँ बैठ गए थे, और यहाँ भी उक्का है, भाई बनवा रहा है, कह रहा भाई कह रहा मैं पीऊँगा, मैंने कहा भाई पी ले भाई। तो बस अब यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी है, और हम रुक इसलिए गए थे क्योंकि ना 2 बजे कहते हैं बंद हो जाता है मंदिर और 4 बजे खुलता है, तो अभी टाइम हो रहा है आपका 3:30 है ना, तो 3:10 का टाइम हो रहा है, तो ऑलमोस्ट 1 घंटा हम यहाँ बैठ जाएंगे और सीधा दर्शन करेंगे, और दर्शन करके फिर जाएंगे अपने घर। और यहाँ ये छोटा सा बच्चा मिला, बहुत बढ़िया है बातचीत करने में, और की रिपोर्ट है, अपना नाम बता क्या कर रहा है आइसक्रीम उइसक्रीम खाने में लगा हुआ है, बग गया सही है। ये मेन, ये कौन सी वाली रोड है, रोड कौन सी है, हाँ क्या नाम है रोड का, नाम नहीं पता रोड का है, भाई शर्मा रहे हैं, कोई बात नहीं, चाय चुई पी ली, भाभी से मिले थे, ये भाई है और वो बच्ची है, यहाँ पे उक्का पिया, ये इनकी दुकान है भाई, पीछे लोग रहते हैं, बढ़िया मजा आ गया यहाँ पे पूरा, मतलब अभी 1.5-2 घंटे हमने यहाँ बिता लिए, पता ही नहीं चला। तो ये मेन रोड के ऊपर इनकी शॉप है भाई, इस तरीके से, ये इनका लड़का है, बड़ा मेहनती है भाई, बहुत बढ़िया, अब हम पापा को उठने का मन ही नहीं कर रहा, तो अब यहाँ से निकलते हैं, अब यहाँ से सीधा फिर दर्शन करेंगे, तो आप बाय कर दो, वो बाय नहीं करेंगे, ठीक है भाभी जी, बाय बाय जी, ठीक है। कौन सी जगह, जगह तो बता दो भाई, ये क्या नाम है, बंडाई स्टैंड, तो भाई बंडाई स्टैंड के पास है इनकी शॉप, बहुत बढ़िया, आदमी का भी आओ तो विजिट करना, मज़ा आ जाएगा, हैं बिल्कुल डालूंगा चैनल पे, तुम तो बात ही नहीं कर रहे, चैनल पर डाल के देखोगे क्या, देखोगे तभी तो मज़ा आएगा क्यों, ठीक है। तो अब अगली बार आएंगे तो भाभी पक्का मिलेंगे, इनसे मिलके बहुत बढ़िया लगा, इनके हस्बैंड से मिलके बहुत बढ़िया लगा, वो मेहनती आदमी है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, चलो चलते हैं। एक वो भी भागा दौड़ी करता रहता, पापा पे गया अपने, चलो ना ना बढ़िया बढ़िया, ठीक है भाई जी, चलो जी पैसे दे दिए, ठीक है जी, धन्यवाद जी, बढ़िया लगा आपसे मिलके, चलो जी लोग अंदर बैठू, चलो मैं अंदर बैठ रहा हूँ, और उनसे हम मिल लिए, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है जी, गर्मी लग रही है, आगे भाई भी रेडी हो गया, मम्मी भी रेडी होगी, हम भी रेडी हो गए, उनको बाय बाय कर रहे हैं, ये निकल रहे हैं, अब यहाँ से निकलते खाटू बाबा, हमने ई रिक्शा, भैया हमारे साथ हैं, और 100 रुपये लिया वहाँ से इन्होंने, सीधा द्वार को डाल देंगे, पीछे बैठ गए शिवा थोड़ी चालू है, बैठ गए सारे रिक्शे में, हम अब बाबा के दर्शन करेंगे, बढ़िया सही है, अच्छा लग रहा है, बाकी चल के देखते हैं क्या है, भीड़ कितनी है, सारी चीज़ें देखते हैं। बालाजी पार्किंग यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी लगा दी सामने, ये यहीं से तो रास्ता है, वो लगे ये लगे भाई, रिक्शा वेट उठा लेते हैं भाई, वेट उठा दिया हमारे से तो बढ़िया, सही लग रहा है, पर भाई दिल्ली के मुकाबले गर्मी कम है। ओ भाई कहाँ रहे, हम आ गए यहाँ पे खाटू श्याम जी के, भाई जी ने व्हीलचेयर अरेंज करा दी, ऐसे व्हीलचेयर मम्मी के लिए लेंगे, मम्मी से चला नहीं जाता, तो बाबा के दरबार में ये आशीर्वाद मिला, मम्मी आराम से आ जाएंगी, और ये देखो ये लेडी से बेचारी से चला नहीं जाता, इनके हस्बैंड भी ऐसे ही हैं, और भाई भगवान जो करता है अच्छा करता है, तो अब यहाँ से बाबा के दर्शन कराएंगे, आपको भी ये कराते, देखो जय खाटू नरेश की जय, सारे दर्शन कर लो आप लोग, पापा और भाई ये खड़े, भाभी ये खड़े, श्याम जी आगे देखो एक बार, ये
अंदर वीडियो बनाने के लिए मना करा था, पर भाई पीछे का एरिया आपको दिखा रहा हूँ, अंदर की छोटी सी क्लिप मैंने आपको दिखाई थी। दर्शन अच्छे हो गए मम्मी? बढ़िया हो गया, अच्छे लोग भी है, व्हील चेयर वगैरह दी थी, बहुत अच्छा, भाई भाभी सारे लोग आ रहे हैं, और ये सारे अंकल जी ने जगह दी है अपनी, यहाँ बैठे हुए थे, अंकल के भी धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत। तो बहुत बढ़िया दर्शन हो गए, बहुत अच्छे हो गए, सुकून मिला, और भाई और भाभी आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं, और मम्मी का जो टेंशन थी वो टेंशन दूर हो गए, चलो उनका वेट करते हैं। पहली बार की मैंने कहा था कि मैं अपने बहू को लेके आऊंगी, तो भगवान ने मुझे ये टाइम दिया है कि मैं अपने बहू को लेके आई। चलो भाई धन्यवाद, जय खाटू नरेश। भाई भाभी पापा आ गए, कैसे हो दर्शन आपके? अच्छे हुए? भीड़ भीड़ ज्यादा अभी थी नहीं आज, पर चलती हुई भीड़ थी, बढ़िया है, अच्छे दर्शन हो गए। कैसा लगा, आप पहली बार आए हो, कैसा लगा? अच्छा है, वहाँ अगर दो मिनट देखो ना तो रोना से निकल जाता है। वो अच्छा, क्या बोल रहे थे आप? ये बोल रही हूँ कि मैंने एक बहू मांगी थी तो भगवान ने मेरे को एक बहू दिया, अब मैं दूसरी बहू मांग रही हूँ तो उसको लेके आओ। मम्मी की मन्नत से बचाना भैया। ना ना, भगवान हमारे को हिम्मत दे और हम आते रहेंगे और सारी चीजें करते रहेंगे। अब यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से जाने का रास्ता बस वो पार्किंग पे जाएंगे और आराम से फिर घर की तरफ चलेंगे। यहाँ देखो श्रद्धालु कितने सारे लोग आ रखे हैं, और बाबा के दरबार में अमीर गरीब सब एक समान है भाई। जय खाटू नरेश। चल रहे हैं, ये आगे मम्मी भाभी को लेके आ रहा है, तो मम्मी भी अपनी हिम्मत दिखा देती है भाई, कहते ना भगवान के दरबार पे आओ तो हिम्मत अपने आप ही आ जाती है, तो उनमें भी हिम्मत आ गई यहाँ से वहाँ पे चलने की। और खाटू नरेश से बस यही प्रार्थना है कि मेरी मम्मी के स्वास्थ्य सही रहे, मेरे पिताजी का स्वास्थ्य सही रहे, तो सारी चीज़ें हमारे पास रहेंगी। बाकी इन भाइयों का धन्यवाद सबका। बहुत अच्छे लोग हैं भैया, बहुत बहुत अच्छा गाना गा रहे थे आप, क्या भजन गा रहे थे, दिल खुश हो गया, बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा भजन गा रहे थे भाई, प्रसाद मिल गया। क्या बात है, नहीं नहीं बहुत सुंदर गा रहे थे, मैं सुन रहा था। हार गया मैं इस दुनिया से, अब तो बाबा गले लगा ले। क्या बात है, मैं चलते चलते अब थकने लगा हूँ, बाह पकड़ के मुझे बुला ले। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर गाया, बहुत सुंदर, क्या बात है, क्या बात है, सुंदर गाया ना, देखा कितने श्रद्धा से लोग आते हैं। तो मम्मी चल रही है पकड़ के, भाई और मैं लेके जा रहे हैं मम्मी को, मार्केट देखो कितनी बढ़िया और सुंदर मार्केट है, भाभी अकेले घूम रही है। हाँ आपको बिठा देते हैं, यहीं कहीं बिठा देते हैं, यहाँ बिठा दूँ, यहाँ बैठ दो, कुछ जगह भी तो हो। ओ भाभी उस साइड खाना खाना देख के भाभी भूल जाती है। बिठाता हूँ आपको, बैठने की जगह भी तो हो मम्मी। ये मार्केट है भाई यहाँ की, खाटू नरेश की नगरी। ये भाई ने अभी हमारे को चेयर दी मम्मी के लिए, तो अच्छे अच्छे लोग भाई मिलते रहते हैं जहाँ भी जाओ, तो कहते ना नहीं चला जा रहा तो खाटू बाबा के ऊपर छोड़ दो सब, वो कर लेंगे, तो सच्चा ही है भाई, हिम्मत तो देने वाला वही है। फोटोज़ देखो खाटू बाबा जी की, कितनी सुंदर सुंदर है। जय खाटू नरेश की जय। मम्मी सबको अपना चैनल बताती रहती है। ये भाई की शॉप है, क्या नाम है भाई आपका? हर्ष, हर्ष, हर्ष इमरान भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, भाई ने चेयर दी मम्मी को बैठने के लिए, और खाटू नरेश से बाहर निकलते हैं, इनकी शॉप है। इतर वगैरह आप ये सारी चीज़ें रखते हो जो प्रसाद की सामग्री वगैरह है? पुरानी दुकान है आपकी बहुत? सबसे पुराना। अच्छा जी, पहला। अरे वाह क्या बात है, किस्मत है फिर तो हमें आपसे मिला दिया है, बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे लोग भी है भाई जो मदद कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे बहुत लोग हैं, आप अच्छे तो वैसे सारे अच्छे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो भाई कभी आप आओ तो यहाँ विजिट कर सकते हो, भाई की शॉप पे एकदम निकलते के साथ ही है, ये वाले कॉर्नर से जैसे आओगे साइड वाली शॉप है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ, दुकान का नाम भी भाई का राधा कृष्णा के नाम से, इस वाले चौक से जब आप आओगे ना तो आपको दिख जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कैसी है मम्मी लस्सी?
अच्छे रिफ्रेश हो जाओगे आप एकदम। आपने ली तो आप ही लो ना, मैं दूसरी वाली ले लूँगा, आप ले लो वाली ले लो। वहाँ से भाभी आ रही हैं भाई, ये वो हैं बजरंगी भाईजान की मुन्नी, खाना देखते ही उस साइड हो जाती हैं, आंखों की रोशनी कानों की रोशनी तेज हो जाती फटाफट खाना देखते के साथ ही। सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे निशान चिन्ह लेके। कैसा लगा पापा आपको? आपका सेकंड टाइम है? मैं भी दूसरी बार आया हूँ। बहुत चल पहला भाई, तब भी थी, अभी तो कह रहे हैं कि संडे को और भीड़ होती है। भाई पैसे पूछे दे रहा है। कैसी है? बढ़िया लगी ना? अच्छी है, अच्छी बनी अंकल जी। बहुत बढ़िया, मजेदार, अच्छी बनी है भाई। बीच बीच में क्या आ रहा है मुंह में? कुछ आ रहा है, ग्लूकंद है। बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा भी देख रहा है, वो आ रहा है, एकदम से आ रही है, अच्छी बहुत बढ़िया बना रही है भाई। ये मंदिर से बाहर निकलते के साथ ही ना, ये वाली भाई की शॉप यहाँ से भी थी हमने लस्सी, और यहाँ से ऐसे जब आप आओगे तो इस साइड पे वो शॉप है जिस भाई ने मम्मी को चेयर दिया है। मम्मी बैठ के हाथ हिला रही है, देखो खुश है। हमने प्रसाद लिया है घर के लिए अपने, थोड़ा सा सबके मुँह लग जाए। क्यों पापा? थोड़ा थोड़ा प्रसाद के नाम पर तो मम्मी वैसे भी पार्शलिटी कर देती हैं भगवान के नाम पर। चलो यहाँ से प्रसाद ले लिया, अब गाड़ी की तरफ चलो। ए शिकी जय भाई, दर्शन हो गए, कैसे हो मम्मी? मजा आ गया? पापा भाभी क्या कह रहे हो भाई? बहुत अच्छे दर्शन हो गए, बहुत अच्छा टूर हो गया। किस्मत थी, ये बात तो सच है कि किस्मत थी भाई, बहुत रश होता है, बाकी मजा आ गया भाई। अच्छा ट्रैवल हो गया हमारा, दिल खुश हो गया। सभी लोग बहुत अच्छे मिले, सभी लोग अच्छे मिले। तो सबसे प्यार से बोलो तो सब आपसे प्यार से बोलेंगे, ठीक है ले लो, ठीक है। चलो भाई अब चलते हैं घर की तरफ। काटू नरेश की जय। भाई निशान चीन जो है, मतलब जो यहाँ क्या बोलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में करना, तो इसको देख के बड़ा सहारा मिल जाता है कि हम पहुँच गए, तो हमें ये जाते हुए मिला है, तो किस्मत में सारी चीजें हो गई है। क्या बात है, क्या बात है।